स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन योग व स्वास्थ्य के सुबह के लाइव कार्यक्रम में। मंत्र पाठ के साथ आज के कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आज का हमारा विषय है कोविड से बचाव, योग ही उपाय। कोविड से बचाव करने का सबसे बढ़िया अगर कोई तरीका है तो वो प्राकृतिक चिकित्सा योग आयुर्वेद है, और इसमें भी सबसे ऊपर योग है। तो योग को करने से हमारी सब नस नाड़ियां, सभी हड्डियां, रक्त की सभी वाहिनियां सब शक्तिशाली बलवान होती हैं, और हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। हमारी आंतें, हमारी रीढ़ की हड्डी, सब कुछ, सब में ताकत आती है, और बहुत अच्छी ताकत आती है। तो रोज ऐसे योग के कुछ क्रियाओं को हमें करना चाहिए। कौन कौन सी क्रियाओं को, कौन से आसनों को, थोड़ा थोड़ा सा आज जान लेते हैं। सबसे पहला अभ्यास जो होता है वो हमें दंडासन में बैठ करके कुछ पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। श्वास भरें और पैरों को सामने की ओर खींचे, श्वास छोड़ें, वापस आए। दाएं और बाएं ऐसे घूम झुकाएं, मोड़ें, खींचें, एक आगे एक पीछे, मोड़ें, खींचें, दोनों को एक साथ गोल गोल घुमाएं, पूरी तरह से घुमाएं। एक आसन है जिसका नाम है वक्रासन, उसको प्रतिदिन करें। डायबिटीज वाले रोगियों को भी लाभ होगा और बाकी सभी स्वस्थ लोग भी अच्छे बने रहेंगे। दोनों पैरों में से एक को ऐसे मोड़ करके आप पास में ले आए और पास में ले आए, इतना। दूसरे वाले हाथ को, जो पैर मोड़ा है उसको नहीं, दूसरे वाले हाथ को ऐसे ऊपर उठाना और थोड़ा सा अंदर की तरफ से इसको कोहनी से ऐसे आपको लॉक लगाना है, थोड़ा धक्का देना है, और श्वास पूरा बाहर, और इसको यहाँ से पकड़ लीजिए। यहाँ से नहीं आ रहा तो यहाँ से पकड़ लीजिए, यहाँ से, और जिसका पूरा पकड़ में आ जाता है वो पूरा ऐसे पकड़ करके श्वास बाहर और पीछे घूम जाए। थोड़ी देर यहीं रुके, 10-15 सेकंड शुरुआत में करें, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए। प्रारंभिक साधकों के लिए योगाभ्यास हमने उस दिन पहला कार्यक्रम बताया था, अब ये समझिए कि इसके दूसरे कार्यक्रम के रूप में है। दूसरे पैर से कर रहे हैं, एक पैर लेफ्ट वाला मोड़ा तो राइट वाला हैंड ऊपर, श्वास पूरा बाहर। ये देखो, ये वाला हाथ ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए, ज्यादा पास में भी नहीं हो, इतना हो कि कोहनी आपको छूती भी हो। दायां वाला ऊपर उठाया, और इस पैर में भी ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसे भी नहीं होगा, अपने को पास में करना है, बिल्कुल पास, और श्वास पूरा बाहर, और धीरे धीरे इस प्रकार से लगाए और पीछे घूम जाए। फिर श्वास भरते वापस आ जाए। एक आसन और देख लेते हैं, वज्रासन में बैठ करके। इस वज्रासन में ऐसे खड़े हो जाए, लाइव दर्शक हमारे सभी बने हुए, हम सभी लाइव दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सबसे पहला हमने अभी वक्रासन को सीखा, इससे पहले पैरों के सूक्ष्म व्यायाम सीखे, अब हम चलेंगे दूसरा आसन करने। वो दूसरा आसन कैसे होता है, घुटनों के नीचे कुछ ऐसा लगा लीजिए जिससे कि आपको जमीन या कोई ऐसी चीज चुभे नहीं, जहां पर भी आप कर रहे हैं ऐसे इसको मोड़ लीजिए, ठीक है। अब इस वज्रासन में आप खड़े हो जाइए ऐसे, घुटनों के बल, घुटनों में थोड़ा फासला, पैरों में भी थोड़ा फासला,
ये सब कोविड से बचने के लिए भी बता रहा हूँ, और जिनको कोविड से कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं कुछ वैक्सीन के बाद भी और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी कई सारी समस्याएं हो रही हैं, उन सबको भी कुछ बहुत आवश्यक जो क्रियाएं करनी चाहिए उनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और जो कोविड से बचना चाहते हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। अभी प्राणायाम भी बताएंगे। एक हाथ को यहाँ रखिए, दूसरे को यहाँ रखिए, श्वास पूरा भर के पीछे जाएंगे। वहीं रुके, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए, धीरे धीरे बैठ जाए इस वज्रासन में, अपने स्थान पर वापस बैठ जाए। जिनको सिर घूमता है अथवा सिर में दर्द होता है या चक्कर आता है, उन लोगों को आंखें नहीं बंद करनी चाहिए और ज्यादा देर तक उनको नहीं रोकना चाहिए। फिर एक बार देख लेते हैं, श्वास पूरा भरे, किसी को हाथों को सपोर्ट लगा करके भी कर सकते हैं, ऐसे अर्धोष्ट्रासन अर्धचंद्रासन दोनों मिलते जुलते हैं। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस फिर पूर्ण उष्ट्रासन करें, पैर उसी तरह से रहेंगे, घुटने भी अपनी उसी स्थिति में रहेंगे। श्वास पूरा बाहर, एक हाथ एक एड़ी पर, दूसरा हाथ दूसरी एड़ी पर, पूरी तरह से ऐसे गोल घुमा दे, मोड़ ले, कमर पर मन को टिका के रखें, कमर के निचले भाग पर थोड़ी देर पूरी तरह से ऐसे खींचे, रोके, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए, रिलैक्स विश्राम बैठ जाए। इसको मैट को फिर से सीधा कर लेते हैं, ये केवल इसीलिए मोड़ा था कि घुटनों पर जमीन का जोर ना लगे। चलेंगे अगला अभ्यास, इसके ठीक बाद में जो करना चाहिए उस प्रैक्टिस का नाम है श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर खींच ऊपर उठाए, उसका नाम है शशक आसन, और श्वास पूरा बाहर छोड़ें आगे की तरफ लगा ऐसे। अपनी एड़ियां अपने नितंबों को छूती हुई हिप्स को हील से लगा के रखें, श्वास बाहर, पूरा शरीर ढीला, लंबे लंबे श्वास, फिर धीरे धीरे भरते और छोड़ते रहे थे। फिर बिल्कुल रिलैक्स, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। एक आसनी, अब अगला अभ्यास एक पीठ के बल लेट करके देख लेते हैं, पीठ के बल लेट कर करने वाला एक आसन देख लेते हैं और एक पेट के बल लेट करके कर लेते हैं, फिर प्राणायाम देख लेंगे, एक अभ्यास प्राणायाम। ये सभी बिगिनर्स के लिए है, सभी लोग जो शुरुआत कर रहे हैं योग की उन सब के लिए बड़ी आसान चीजें हैं और ज्यादा चीजें भी नहीं है। 20-25 मिनट में आपका प्रतिदिन का अभ्यास इनका हो जाएगा। चलेंगे अगला, श्वास पूरा बाहर भरते हुए तो हाथों को पीछे ले जाएं और श्वास पूरा बाहर करें, बाहर फेंकें, बाहर रोकें, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर से श्वास बाहर, इस तरह से इसको कर ले। और एक पेट के बल भी शुरुआत में दो दो तीन तीन बार ही करें, तो पेट के बल आकर के एक भुजंग आसन का अभ्यास जरूर करें, पूर्ण भुजंग आसन का। पूर्ण भुजंग आसन, दोनों हाथों को ऐसे रखें, एक के ऊपर दूसरा हाथ ऐसे, श्वास पूरा भरें
अब पूरा श्वास भरने के बाद धीरे धीरे ऐसे उठाएं और उठाएं, इन कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर लेवे, नाभि तक ही शरीर ऊपर उठेगा, ऊपर देखे, पैर पीछे खींचे हुए, पंजे तने हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए, फिर से श्वास भरें, फिर थोड़ा आराम कर लें बालासन में आराम। फिर उसके बाद करवट लेकर के आप बैठ जाएं। बैठ करके पहला एक प्राणायाम हम आज सीख लेते हैं, क्योंकि ये अभ्यास हमारा जो सत्र है ये प्रारंभिक योग साधकों के लिए भी, पुराने लोग भी कर सकते हैं, करना चाहिए, और जो पद्मासन ऐसे लगा सकते हैं उनको पद्मासन लगाना चाहिए, ऐसे पद्मासन लगा के रखो, नहीं लग रहा तो किसी भी आसन में बैठ जाओ, लेकिन सीधे बैठने का प्रयास, भस्त्रिका प्राणायाम को करना, इस प्राण मुद्रा को लगा के रखना, पहली छोटी सबसे आखिरी और एक इसके ठीक पास वाली रिंग फिंगर, लिटिल एंड रिंग फिंगर को मिला के रखना। जो बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, हाइपरटेंशन वाले, उन सबको धीरे धीरे इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए ऐसे। और जो लोग जवान हैं, शक्तिशाली हैं, जो कर सकते हैं, उन सबको क्या करना चाहिए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, ऐसे सिर घूम रहा है, सिर में चक्कर आ रहा है, अथवा सिर में दर्द हो रहा है, ये लोग इतना तेज नहीं, वो धीरे धीरे करना है ऐसे। जिनके कोई समस्या नहीं है, जो निरोग लोग हैं, बिल्कुल स्वस्थ लोग हैं, वे लोग बलवान भी होना चाहते हैं, भीतर से रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो उनको तेज करना चाहिए ऐसे। और इसी को नीचे से ऐसे 10 10 20 20 50 50 100 100 बार कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे इसको पूरा जब हो जाए ना तेज वाला, फिर धीरे धीरे से श्वास भरना 5 से 10 बार ऐसे। इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी जो तेज प्राणायाम किया, तो ऐसा करें, अपने फेफड़ों को मजबूत बनाएं, कोरोना से बचाव योग ही उपाय, ये ध्यान रखना। आज के सत्र में इतना ही, ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते, तब तक करें योग, रहें निरोग, कल हम फिर मिलेंगे, सबको धन्यवाद, सबको नमस्ते, ओम ओम गायत्री मंत्र, हम अभी गायत्री मंत्र को देख रहे हैं, उसका अर्थ है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्चिदानंद सकल जगद उत्पादक, प्रकाशकों के प्रकाशक, परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ पाप नाशक तेज का हम ध्यान करते हैं, वह परमेश्वर हमारी बुद्धि और कर्मों को उत्तम प्रेरणा करें। ये गायत्री मंत्र का अर्थ होता है।
इस गायत्री मंत्र के अर्थ को हमें जानना चाहिए। आज के सत्र में इतना ही। ओम शम।